फाइव स्टार होटल में चूहे निकला, चूहा निकला। ये मतलब ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि अब ठीक है कुक तो उनका आया, खाना तो सारा यहीं संभाल किया ना, तो मैं भी अब आपके बड़े बड़े होटल आई, मैं खुद यहाँ होटल में खाना खाने के बाद मैंने देखा है कि जो खाना था वो फ्रेश नहीं होता, ऐसी स्मेल आ रही होती। मतलब वो क्या होता है कि चिकन रखा हुआ है वो पुराना रखा है, फ्रीज क्या है वो दो दो महीने पुराना चिकन है, वो संभाल कर रहे हैं। तो जाहिर है लास्ट जिस दावत में वो गए थे, वो हाई कमिश्नर की दावत में गए थे क्रिस्टन टर्नर की, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा खाया हो या वो शेफ ने खाना ना बनाया हो, तो उस वजह से सिचुएशन का इस वक्त इंग्लिश टीम शिकार हुई हो। इस बार वो स्पेशली एक शेफ अपने साथ लाए थे, लेकिन मैं मजे की बात आपको बताता हूँ कि वो शेफ साहब भी बीमार हो गए। उन्होंने पता नहीं क्या खाने में घोल के खिला दिया अपनी टीम को कि वो जो है वो अब शेफ भी बीमार है, साथ प्लेयर्स बीमार है, साथ सपोर्ट स्टाफ के लोग बीमार है। श्रीलंका जाते हैं, ये लोग इंडिया जाते हैं, हर जगह जाते हैं, क्या अपने साथ शेफ ले जाते हैं? कभी नहीं ले जाते। क्या उनके घर के खाने वहां मिलते हैं? नहीं, ये हर दुनिया के मुल्कों में जाते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हर लड़का अपने लिहाज से खाना खाता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो बिरयानी खाए, कढ़ाई गोश्त खाए, खाए नहीं, वो अपने हिसाब से जो नॉर्मल खाना है वो खाते हैं। मगर यहाँ पर अगर 14 लोगों को कुछ हो गया तो उसका मतलब है कि वाकई कोई वायरल बग। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच खतरात का शिकार हो गया। इंग्लैंड के 14 कंटेंजेंट मेंबर, जिसमें से 7 उनके खिलाड़ी और टोटल 14 लोग इंग्लैंड के स्क्वाड के जो हैं वो बदहजमी का शिकार हो गए हैं। किस तरीके से पाकिस्तान में एक मतलब ऐसी घटना हुई है कि एक विजिटिंग टीम, वो भी इंग्लैंड की टीम, जा रही है और उसको खेलना है मैच और वो मैच डिले हो रहा है किस वजह से, कि पाकिस्तान में जो उन्होंने खाना खाया उसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया और पेट खराब होने के कारण वो मैच एक दो दिन तक डिले हो सकता है, ये रीज़न बताए जा रहे हैं। अब इंग्लैंड वैसे भी अपना कुक खुद लेकर आए थे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कुक खुद लेकर आए वो, तो ये जो इन्होंने जो खाने के लिए जो मटेरियल दिया था क्या वही ख़राब था क्या? पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ। पहला टेस्ट मैच खतरात का शिकार हो गया है। रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में शेड्यूल्ड 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान WTC का जो टेस्ट मैच है वो, उसके ऊपर अब खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं और इसके मुलतवी होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग किस्म की न्यूज आ रही है और वो आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान शेड्यूल्ड पहले टेस्ट मैच को लेकर के, क्योंकि जराए ये बता रहे हैं कि इस टेस्ट मैच को मुलतवी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी है? इसकी बुनियादी वजह बनी है इंग्लैंड के 14 कंटेंजेंट मेंबर, जिसमें से 7 उनके खिलाड़ी और टोटल 14 लोग इंग्लैंड के स्क्वाड के जो हैं वो बदहजमी का शिकार हो गए हैं। वो जिसको आप कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ सिचुएशन का शिकार है और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको वायरल इंफेक्शन की शिकायत भी दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी प्लेयर जो हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, बदहजमी का शिकार हुए हैं और वो फूड पॉइजनिंग वाली सिचुएशन है। इस वजह से बेन स्टोक्स कप्तान समेत तकरीबन 7 खिलाड़ी और 7 सपोर्ट स्टाफ के लोग जो हैं वो इसका शिकार हो गए। अब इसकी वजह क्या बनी है? देखिए बात यह है कि इंग्लैंड इस बार बहुत मोहताज था खाने के हवाले से और इंग्लैंड की टीम जो है वो अपना शेफ साथ लाई थी, लेकिन पिछली बार जब हमारे शेफ से खाना इन्होंने खाया तो बीमार नहीं हुए थे कम अज कम। हाँ ये था कि वो उनको पसंद नहीं आया था, वो कह रहे थे कि लाहौर का खाना हमें पसंद नहीं आया, तो इस वजह से आज वो इस बार वो स्पेशली एक शेफ अपने साथ लाए थे, लेकिन मैं मजे की बात आपको बताता हूँ कि वो शेफ साहब भी बीमार हो गए। उन्होंने पता नहीं क्या खाने में घोल के खिला दिया अपनी टीम को कि वो जो है वो अब शेफ भी बीमार है, 7 प्लेयर्स बीमार हैं, 7 सपोर्ट स्टाफ के लोग बीमार हैं। आज पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की जो ट्रॉफी थी उसकी तकरीबन रुनुमाई होनी थी वो भी मुलतवी कर दी गई है, यानी ये 1 दिसंबर की बजाय अब ये मैच 2 दिसंबर को स्टार्ट कर दिया जाए, एक दिन का मजीद वक्फा दे दिया जाए ताकि वो सभी खिलाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए, क्योंकि राइट नाउ अगर 7 प्लेयर्स उनके जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड में से अगर वो इंजरी का शिकार है तो वो तो अपनी 11 रुकनी टीम भी पूरी नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। उनके पास तो 11 फिट खिलाड़ी मौजूद नहीं है और जो फिट नजर आ रहे हैं उनमें से भी जो रूट खुद कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो ये हो गई है इंफेक्शन हो गई वायरल इंफेक्शन, तो ये तो बहुत बुरी खबर आ रही है जी, परेशान कुल खबर आ रही है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। अब इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं 10 खिलाड़ी, तकरीबन 10 खेल से ज्यादा भी आप कह सकते हैं खिलाड़ी, अपना कुक जो है वो साथ लेकर आए हुए थे स्पेशल इंग्लैंड से, क्या बड़े मजे मजे के खाने बनाएंगे और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो हमारा सिलसिला चलेगा, हमारा कुक हमें फिट फिट खाने तैयार करके देगा, लेकिन 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 ये भी उनका ख्वाब ही रह गया और फाइनली उन्होंने अपने कुक के हाथों इन्फेक्शन पकड़ लिया।
नहीं देखो बहुत ही बुरी खबर है, आज प्रैक्टिस भी थी, ट्रॉफी की रहनवाई भी थी, फिर रूट को भेज दिया गया, स्टोक्स आई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि कैप्टन स्टोक्स को भी पेट खराब था, बदहजमी थी, हल्का फुल्का बुखार भी था। बड़ी बुरी खबर है, अली 10 से ज्यादा खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जो बाहर हो गए, आज प्रैक्टिस में सिर्फ 5 खिलाड़ी आए हुए थे पिंडी में, सिर्फ 5 खिलाड़ी टोटल ग्राउंड में इंग्लिश टीम के 5 खिलाड़ी नजर आ रहे थे। क्योंकि जाहिर है आप इतने बड़े आपका सारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, प्लेयर्स हैं, आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं और उसके बाद आपने ये इंतजाम किया है, एटलीस्ट इनका मुझे लगता है जो आपकी फूड अथॉरिटी है उसको अच्छा लेना चाहिए और जो इनका फूड है खाना जो इनको सर्व किया जा रहा है उसका टेस्ट होना चाहिए। हो सकता है कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज शुरू होने वाली थी पिंडी स्टेडियम में वो कल से शुरू ना हो पाए क्योंकि इंग्लैंड के कुछ 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी तबीयत नासाज है, जिसमें से कुछ को वायरल इन्फेक्शन हुआ है और कुछ को इंडाइजेशन की भी शिकायत है। तो अपने साथ तो वो इस बार शेफ भी लेके आए हुए हैं, बट जब फॉरेन टीम्स आती हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल दानिश आपने ठीक कहा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। आपको याद होगा पिछले साल बल्कि इस साल न्यूजीलैंड की टीम जब आई थी तो वो आए और खेले बगैर वो चले गए थे, लेकिन बहरहाल आइंदा साल की शुरुआत में वो पाकिस्तान आ रहे हैं व्हाइट बॉल और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, बल्कि शायद इसी साल वो पाकिस्तान के आखिर में आएंगे पाकिस्तान। बट शेफ बिल्कुल वो अपने साथ लेकर आए हैं और एक अजीब गरीब सी सिचुएशन है और लगता है कि टेस्ट मैच शायद वक्त पर शुरू ना हो सके, लेकिन दानिश वो शेफ अपने साथ ज़रूर लेकर आए हैं और ये जो सिचुएशन है, लास्ट जिस दावत में वो गए थे वो हाई कमिश्नर की दावत में गए थे क्रिस्टन टर्नर की, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा खाया हो या वो शेफ ने खाना ना बनाया हो तो उस वजह से सिचुएशन का इस वक्त इंग्लिश टीम शिकार हुई हो। इक्का दुक्का खिलाड़ी होते हैं जो फिट नहीं होते तो फिर भी शायद इंग्लैंड इस मैच को खेलने में रजामंदी जाहिर कर देता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है क्योंकि 14 प्लेयर्स फिट नहीं है, दे डोंट हैव अ प्लेइंग 11 जिसके साथ वो ग्राउंड में उतर सके। तो इत्तला यही आ रही है ये वो लड़के हैं कि जो हर जगह टूर करते हैं पूरी दुनिया में, वेस्ट इंडीज में जाते हैं, मैं उन मुल्कों का नाम ले रहा हूँ, श्रीलंका जाते हैं, ये लोग इंडिया जाते हैं, हर जगह जाते हैं, क्या अपने साथ शेफ ले जाते हैं? कभी नहीं ले जाते। क्या उनके घर के खाने वहाँ मिलते हैं? नहीं, ये हर दुनिया के मुल्कों में जाते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हर लड़का अपने लिहाज से खाना खाता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो बिरयानी खाए, कढ़ाई गोश्त खाए, ये खाए, नहीं, वो अपने हिसाब से जो नॉर्मल खाना है वो खाते हैं। मगर यहाँ पर अगर 14 लोगों को कुछ हो गया तो उसका मतलब है कि वाकई कोई वायरल बग हुआ होगा, क्योंकि वो कौंसलर जनरल के अपने वो डिनर पे गए थे, रिसेप्शन पे गए थे, वहां पर कुछ ऐसी चीज उन्होंने ली है, कोई ड्रिंक ले ली है, कुछ ले लिया है, जिसकी वजह से इन सबको इन्फेक्शन हुआ है। बहरहाल खाने में बेहतियाती, वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहां पर बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो इंग्लैंड की टीम अपना टेस्ट मैच खेलने के लिए आई थी रावलपिंडी में, वो टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ही एक ऐसी न्यूज़ आती है कि इंग्लैंड के 14 प्लेयरों का एक साथ पेट खराब हो जाता है। यार पेट खराब अगर किसी का होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, तो उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि खाना या तो खराब था या बासा मटेरियल था या फूड क्वालिटी खराब थी। और ये मतलब यार बड़ी ही बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। अब मुझे समझ में नहीं आता कि एक साथ इतने, अगर इंग्लैंड के प्लेयर आए हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई टीम आती है तो उसको 101% बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता होगा जो पाकिस्तान का है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आ रही है कई सालों बाद टेस्ट मैचेस खेलने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि डेफिनेटली कोई कमी ना रह जाए, उसके बावजूद ऐसी घटना होती है। अब अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है। अब जो खाना उन्होंने खाया उसकी वजह से उनका हो गया पेट खराब, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत एम्बैरेसिंग न्यूज है, बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग न्यूज है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के प्लेयर कोई नाजुक हैं, उनको सब कॉन्टिनेंट के खाने पीने की आदत नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में रहने की आदत नहीं है। इंग्लैंड के प्लेयर ज़्यादातर जो है ना आईपीएल 2 महीने के लिए भारत खेलते, उसके बाद सीरीज़ एक आध हो जाती तो उसमें रहते हैं, मतलब उनका इंडिया में अच्छा खासा है। फिर इंग्लैंड वाले अगर बांग्लादेश में या यहाँ पे श्रीलंका में सीरीज़ खेलना है तो इनका अच्छा खासा रहना है, इंडिया में तो बहुत रहना है। इंडिया में यूज़ टू हो आप तो फिर पाकिस्तान में भी यूज़ टू हो जाओगे, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, सब जगह के मौसम के लिए यूज़ टू हो जाओगे। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ खामी रही होगी फूड क्वालिटी में, या तो कुछ ना कुछ तो खराबी रही होगी जिसकी वजह से इंग्लैंड के प्लेयर का ये पेट खराब हुआ है। ऑब्वियसली अब इसके बाद तो इंडियंस क्या करेंगे, आपको पता है इंडियंस लेंगे मजे। अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान की एक ऐसा क्या बोले अभी संबंध है, और अभी क्या सब जब से बने तो ये तो होंगे, चाहे वहाँ पे कुछ हो तो यहाँ का ये। आपको याद होगा एक बार इंडिया में शायद गुवाहाटी में मैच था तो क्या हुआ था, कुछ
गुवाहाटी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कटक या गुवाहाटी, तो इंडिया में क्या हुआ कि ग्राउंड गीला हो गया, तो ग्राउंड स्टाफ वाले क्या ले आए, ड्रायर ले आए, ड्रायर, इस्त्री, प्रेस, आयरन, ये ले आए और पिच को सुखाने लगे। जो इतने मीम्स बने जिसके मतलब आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तानियों ने बहुत मजे लिए, बहुत ज़्यादा। हालांकि उससे पहले पाकिस्तानी बताते हैं कि मतलब उन्होंने हेलीकॉप्टर से ग्राउंड सुखाया था। बहुत पहले का एक मैच था गुवाहाटी में, इंडिया श्रीलंका का मैच था शायद, जिसमें हेलीकॉप्टर से ग्राउंड सुखाने का भारत पहले ही कर चुका था। लेकिन ये सब तो आर्टिफिशियल चीज़ है, चाहे तुम हेलीकॉप्टर से सुखाओ, चाहे तुम आयरन से सुखाओ, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम में तो वो भी अच्छी टीम, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ें जो हैं ट्रोल होंगे वो और करेंगे लोग। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर।